नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन आज बात करने जा रही हूँ खुराक और उससे बालों के रिलेशन, डाइट एंड हेयर। हेयर को, आपके बालों को किस तरह डाइट अफेक्ट करती है, बालों पे हमारी लाइफस्टाइल का, जो हमारी जीवन शैली है उसका, और बालों की हम किस तरह केयर लेते हैं, दोनों का बहुत फर्क पड़ता है। हेयर केयर के बारे में, मतलब किस तरह बालों की देखभाल करनी चाहिए, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो देखने के लिए आप आई कार्ड पे प्रेस कर सकते हैं। मैंने हेयर फॉल से रिलेटेड, हेयर फॉल की ट्रीटमेंट ऑप्शन से रिलेटेड भी वीडियोज बनाए हैं, इनको देखने के लिए आप ऊपर आइकन पे प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेशली सिर्फ डाइट और बालों के रिलेशन के बारे में बात करूंगी। बालों के ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे शाइन के लिए, वो स्मूथ और अच्छे दिखें, इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कुछ खुराक में चीजें हैं जो हमें अच्छी क्वांटिटी में लेने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी डाइट में वो इंक्लूडेड हो। तो ऐसी क्या चीजें हैं? एक है प्रोटीन। हमारे शरीर की सब सेल्स प्रोटीन से बनी होती हैं, बाल भी प्रोटीन से बने होते हैं, जो बालों का स्ट्रक्चर है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो प्रोटीन से बनते हैं, तो प्रोटीन डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। 0.8 ग्राम पर केजी से लेके 1.5 ग्राम पर केजी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की, अकॉर्डिंग टू आपका जो लाइफस्टाइल है वो कितना एक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन ज़्यादा करके वेजिटेरियंस को मिल सकता है, दाल, डेरी से, दालों से, सोया से, और जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं वो है एग, मतलब अंडा, और मीट, पोल्ट्री। ये चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। बायोटीन, आपने नोटिस किया होगा अगर आपने कभी हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कराया है, तो बायोटीन हम सप्लीमेंट करते हैं। बायोटीन होता है नट्स में, दालों में, एग में, बहुत अच्छा क्वांटिटी में बायोटीन होता है। इसके सिवा हमें ओमेगा फैटी एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा फैटी एसिड होता है हमारे यूजुअली नट्स में, फ्लैक्स सीड्स में, फिश ऑयल वगैरह में काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड होता है। आयरन हमारी डाइट में अच्छे से होना चाहिए। कई बार हीमोग्लोबिन, मतलब जो हम रूटीन एक ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन आयरन के लेवल्स, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो कोई भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं आपकी हीमोग्लोबिन के लेवल में, तुरंत मात्रा आपकी खून की कम ज़्यादा हो सकती है। आयरन किस में होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती की सब्जियां होती हैं, उनमें आयरन बहुत अच्छा होता है। फिर जो चीज़ें लाल हो जाती है काटने के बाद जल्दी, आप नोटिस करेंगे उनमें आयरन ज़्यादा होता है, और नट्स में आयरन अच्छा क्वांटिटी में होता है, दूध में होता है, और रागी में होता है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयरन, लीवर बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। विटामिन D3 की क्वांटिटी भी डाइट में होना ज़रूरी है। वेजिटेरियन सोर्स यूजुअली विटामिन D3 का बहुत ही कम है। फोर्टिफाइड फूड आते हैं, मतलब कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जिनमें विटामिन D3 अलग से दिया होता है, उसके साथ साथ आपको कैल्शियम भी सप्लीमेंट यूजुअली करना पड़ता है। अगर विटामिन D3 की कमी है तो चांसेस है कि कैल्शियम की भी कमी हो। तो इन मेन इंग्रेडिएंट्स का आप देखोगे कि आपकी डाइट में इनटेक अच्छा हो। तो आप किस तरह के फूड प्रोडक्ट से ये इंग्रेडिएंट्स पा सकते हैं? दालें, आप दालें अच्छे से लीजिए, सोया, राजमा, चना, काला चना, मूंग दाल, तुवेर दाल, अरहर की दाल, कोई भी दालें, उन सब में, छिलके वाली दालों में ज़्यादा प्रोटीन होता है, बायोटीन होता है, आयरन होता है, कुछ हद तक ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। नट्स अच्छे से लीजिए, बादाम, अखरोट, सीड्स लीजिए, इनमें ओमेगा फैटी एसिड, आयरन, फाइबर, इन सब की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन से बालों का स्ट्रक्चर बनता है, ओमेगा फैटी एसिड से बाल सॉफ्ट, शाइनी, और उनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, उनमें एक ग्लो आता है, शाइन आती है। फिर आप डाइट में एग्स को इंक्लूड करिए। एग्स में बायोटीन, प्रोटीन बहुत कंप्लीट, एग का एक कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, उसमें बायोटीन अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामन, जो नॉन वेजिटेरियन है सामन ले सकते हैं, उसमें ओमेगा फैटी एसिड की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पोल्ट्री, मतलब चिकन वगैरह ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है, आयरन की क्वांटिटी अच्छी रहती है। लीवर ले सकते हैं, आयरन की क्वांटिटी उसमें अच्छी होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तियों की सब्जियां हैं, उसमें आयरन, विटामिन, सारे विटामिन बी ग्रुप के विटामिन्स बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। आंवला, अमरूद, सिट्रस फ्रूट, ये सब लीजिए,
इनमें विटामिन सी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो पोल्यूशन से होने वाले नुकसान से आपके बालों को बचाते हैं, एक हेल्दी शाइन उसमें लाते हैं, चमक लाते हैं बालों में। सैलड्स इंक्लूड करिए डाइट में, जिसमें कि खीरा, टमाटर, टमाटर में लाइकोपीन होता है, खीरा में वाटर कंटेंट बहुत होता है जिससे कि हाइड्रेशन होता है और टॉक्सिन आपकी बॉडी से फ्लश आउट होते हैं। गाजर अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये अगेन आपके बालों को जो पॉल्यूशन से होने वाले स्ट्रेस हैं उससे बचाता है। तो आप एक होलसम डाइट लीजिए जिसमें हर इंग्रेडिएंट इंक्लूडेड हो। जो 5 इंग्रेडिएंट मैंने मेंशन किए हैं उनकी क्वांटिटी आपकी बॉडी में अच्छे से डेली फुलफिल होनी चाहिए। जब ये हेयर फॉल या हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है तो हम यूजुअली विटामिन D3, ब्लड के आयरन लेवल्स और हार्मोन लेवल ये भी चेक कराते हैं। हार्मोन लेवल ऊपर नीचे होने से कई बार हमारी डाइट अच्छे होने के बावजूद हमारी बॉडी उसको ठीक तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। इससे आपके बाल हेल्दी और शाइनी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी कम से कम होने के चांसेस हैं। इसके बावजूद अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। मुझे कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी सवाल है त्वचा या बालों से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं या जब हम लाइव हों तब हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।